हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर की कचौरियाँ। परात में मैंने डाल दिया 1 कप मैदा, 1 कप डालूंगी गेहूँ का आटा, इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक और थोड़ा सा डालूंगी इसमें देसी घी। इनको कर लूंगी मैं अच्छे से मिक्स। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, और पानी डालने के बाद आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे, एक सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। इस तरह से अब चलते हैं कढ़ाई में। तेल हो चुका है गरम, इसमें डालेंगे जीरा, 1 से 2 हरी मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद जाएगा इसमें लहसुन की कलियाँ। मिक्स करेंगे अपनी मटर। मटर को मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और 5 से 6 मिनट पका लेंगे इसे ढककर। फिर इसे ठंडा करके पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। मटर पीस के हो चुके हैं तैयार, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इधर ले लिया है मैंने थोड़ा सा आटा, इसको हाथ से ही मैं कर लूँगी थोड़ा सा बड़ा इस तरह से। अब इसमें डालेंगे अपनी मटर की फिलिंग को, थोड़ा थोड़ा ही डालना है और अच्छे से चारों तरफ से इसे कर देंगे हम बंद इस तरह से। ये अच्छे से बन के हो चुकी है तैयार। इसी तरह से मैं कर लूँगी अपनी सारी कचौरियाँ तैयार। ये हो चुकी है मेरी कचौरियाँ तैयार। चलते हैं कढ़ाई में, इन्हें डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, एक एक करके जाएंगे कढ़ाई में। इस तरह से मैंने अपनी सारी कचौरियाँ डाल दी हैं और करछी से इन्हें चलाते हुए इस तरह से हमें सेक लेना। गैस को हमको धीमा ही रखना है जिससे कि ये हमारे अच्छे से सिक्के फूल के करारी हो जाएँ कचौरियाँ। तो ये हो चुकी है मेरी कचौरियाँ तैयार, इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये मैंने सारी कचौरियाँ निकाल ली हैं, तो इधर मेरी प्लेट भी तैयार है, मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ। देखो ये मेरी कचौरी बन के हो चुकी है तैयार। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।